एंटी कैंसर एजेंट्स। तो सबसे पहले जानना है व्हाट डू यू मीन बाय कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स होता है जिसका ग्रोथ अनलिमिटेड, अनकोऑर्डिनेटेड तथा पर्पसलेस होता है। यानी सेल्स का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, अनलिमिटेड होता है, और जो जनरल नॉर्मल सेल ग्रोथ, जो सेल डिवीजन द्वारा, नॉर्मल सेल डिवीजन द्वारा होता है, सीएनएस के कंट्रोल में होता है, वो इरेगुलर होता है, सीएनएस के कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए इसे पर्पसलेस कहा गया है। कैंसर को समझने के लिए, एंटी कैंसर एजेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो नॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है वो मुख्य रूप से माइटोसिस डिवीजन द्वारा होता है। सेल डिवीजन एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। तो उस सेल डिवीजन में सेल साइकिल कौन कौन से स्टेज होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ इस फिगर में शो किया गया है कि देखिए एम का मतलब ये माइटोसिस होता है, ये माइटोसिस, जो माइटोसिस में चार अवस्था होता है, प्रोपेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज। तो ये माइटोसिस हो गया। माइटोसिस के बाद यहाँ आप देख रहे हैं जीवन लिखा हुआ है, तो यहाँ जीवन जो है उसके बाद एस स्टेज शो किया गया है, उसके बाद G2 शो किया गया है। तो ये चार साइकिल होता है, सेल साइकिल में चार फेजेज होते हैं। मुख्य जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है, जो कि सेल का ग्रोथ जो होता है, डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज में होता है। तो ये जो जीवन हुआ वो इंटरफेज हुआ, यानी प्री डीएनए सिंथेसिस, इसमें सेल कंपोनेंट का निर्माण होता है, तो ये जीवन हुआ। और G2 जो है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के बाद का रेस्टिंग अवस्था हुआ, और इसमें माइटोसिस डिवीजन का जो चारों फेज होता है वो संपन्न होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि कैंसर जो ट्यूमर के रूप में एपियर होता है, तो ट्यूमर जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है विनिन और दूसरा मलिग्नेंट। दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है। विनिन टाइप का जो होता है वो उसका जो सेल का ग्रोथ होता है, कैंसरस सेल का जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है लेकिन कांस्टेंट होता है। लेकिन मलिग्नेंट का होता है वो वेरी फास्ट, बहुत तीव्र गति से होता है और अनियमित, इरेगुलर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में होता है। अब ये जानना है कि कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी कई तरह की चीज़ें हैं। पहला जैसे केमिकल्स है, तो अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी केमिकल के संपर्क में आता है, चाहे इनहेल करता है, चाहे उस इन्वायरमेंट में काम करता है जो कि फूड के माध्यम से, वाटर, इन्फेक्टेड वाटर के माध्यम से उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो कैंसर हो सकता है, जैसे आर्सेनिक, निकेल, एस्बेस्टस, ये चीज़ है। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर में रेडिएशन, विभिन्न प्रकार के खतरनाक रेडिएशन है, यूवी लाइट का हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन भी हो सकता है, अन रेडिएशन भी हो सकता है, और एक रेडिएशन का बहुत प्रभाव जो है न्यूक्लियर फिशन जो होता है, बम, न्यूक्लियर वीपन्स का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें भी बहुत रेडिएशन होता है, तो उस रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में एक और है वायरस, जिसको ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मैंने वायरस के वजह से भी कैंसर हो सकता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी, सिगरेट स्मोकिंग के भी कारण हो सकता है कैंसर। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर था। दूसरा मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें डीएनए कॉपी, कॉपिंग, ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होने के कारण हो सकता है। और तीसरा है इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब डीएनए आरएनए के जो जेनेटिक मेकअप है उसमें परिवर्तन होना, चेंज होना, तो ये भी कैंसर का कारण हो सकता है। तो ये निम्नलिखित कारण है। अब क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लासिफिकेशन थोड़ा लंबा है लेकिन इसको जो है याद आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि पहला है अल्कलाइटिंग एजेंट, तो इस तरह से याद किया जा सकता है। अल्कलाइटिंग एजेंट में पहले ए से, तो अल्काइल सल्फोनेट, भूसल्फान इसका एग्जाम्पल है, तो इस तरह से याद, ए से अल्कलाइटिंग एजेंट अल्काइल सल्फोनेट हुआ।
नेक्स्ट होता है इथिलीन आइमिन्स, ट्राई इथिलीन मेलामिन जिसका है चाय। दूसरा इसका एक और है ड्रग हेक्सा मिथाइल मेलामिन। तो ये ए के बाद ई, ई के बाद नाइट्रोजन से दो है इसमें। नाइट्रोजन मस्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लोरमबियूसिल मेलफालेन इसका ड्रग है। उसके बाद नाइट्रोसोयुराज, इसमें है एस्टेप्टोजोटोसिन इसका ड्रग है। ट्राइजिन्स, ट्राइजिन्स में डे कार्बाजिन इसका एक्टिव ड्रग है। तो इस तरह से इसमें पांच अल्कलाइटिंग एजेंट के अंतर्गत पांच हुआ। तो सबसे पहले ए से, उसके बाद ई, फिर नाइट, एन से दो हैं, और उसके बाद लास्ट में टी से है। तो इस तरह से याद करने में एक कोरिलेशन करके याद किया जाए तो बहुत आसानी से याद हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में तीन बेसिक हैं, फोलिक एसिड, एंटागोनिस्ट, पायरिमिडीन एनालॉग्स जिसमें फ्लोरोराशिल है, प्यूरिन एनालॉग जिसमें मर्केप्टोप्यूरिन है। तीसरा है नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट में विनकालक्लाइड है जिसमें विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन होता है। और फिर नेक्स्ट है अदर प्लांट डेरिवेटिव जिसमें इटोपोसाइड्स, पोडोफाइलोटॉक्सिन। ये पोडोफाइलम नामक पौधे के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हैं। टैक्सेंस जो कि टैक्सस नामक प्लांट के बार्क में पाया जाता है। कैम्टोथेसिन ये चाइनीज ट्री, चाइना में पाया जाता है। तो ये सब जो है एंटी कैंसर के रूप में यूज होते हैं। नेचुरल के अंतर्गत है इंजाइम्स, एल एस्परजिनेस ये इंजाइम है। एंटीबायोटिक, बहुत सारे एंटीबायोटिक का भी प्रयोग जो है कैंसर सेल में किया जाता है। एंटीबायोटिक में मिथ्रामाइसिन, माइटोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, ब्लियोमाइसिन, डाउनोरूबिसिन ये सब महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट हार्मोन्स, हार्मोन्स के अंतर्गत एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में डाइथाइल एस्टिलबेस्ट्रॉल, इथाइल एस्टाडायोल, प्रोजेस्टिन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एंटी एस्ट्रोजन जिसमें टेमोक्सीफेन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी एंड्रोजन्स में फ्लूटामाइड। तो ये हार्मोन्स के अंतर्गत इन सब का प्रयोग किया जाता है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मेडिफायर, इंटरफेरॉन अल्फा। फिर नेक्स्ट है रेडियो आइसोटॉप जिसमें रेडियो आयोडीन है और मिसलिनियस सिस्प्लेंटिन। तो ये सिंपल जो है क्लासिफिकेशन था। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं किस तरह से इनका जो है एक्शन प्रभाव उत्पन्न करते हैं डिफरेंट ग्रुप के। अल्काइलेटिंग एजेंट, जैसा कि इसका नाम है अल्काइलेटिंग एजेंट, इसका मतलब है कि जब ये दिया जाता है इस ग्रुप के ड्रग, तो अंदर जाकर कार्बोनियम आयंस का निर्माण होता है और ये कार्बोनियम आयंस अल्काइल ग्रुप रिलीज करता है। इसलिए अल्काइलेटिंग एजेंट कहा गया है। अल्काइल ग्रुप रिलीज होता है और ये अल्काइल ग्रुप जो है कैंसर सेल के अंदर मिसकोडिंग और डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है गुआनिन और ये सब उसका डिस्ट्रक्शन करता है, उसे डिसरप्ट करता है, और जिसके वजह से जो है रिप्लिकेशन प्रक्रिया जो है प्रभावित होता है यानी सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ रुक जाता है। कैंसर में अल्टीमेटली आपको ये बताना है कि किस तरह से कैंसर के सेल का ग्रोथ जो है वो रुकता है, स्लो डाउन होता है, ये बताना है। जब कैंसर का उपचार किया जाता है तो दो तीन बेसिक चीज़ होता है और मोस्टली ड्रग जो है वो फास्ट सेल ग्रोइंग जो कैंसर में होता है उसको स्पीड को स्लो डाउन करते हैं, कम करते हैं। बाकी जो सर्जरी है, जो कंप्लीट जिस अंग में कैंसर होता है उस अंग को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। और तीसरे तरह के जो ट्रीटमेंट होता है वो रेडिएशन थेरेपी होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ जो अधिकांश ड्रग जो एंटी कैंसर ड्रग जिसे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी कहा जाता है,
उनका जो है बेसिक जो है वो सेल डिवीजन यानी जो फास्ट ग्रोइंग कैंसरस सेल है उसको किस तरह से रोकते हैं अलग अलग लेवल पर, ये बेसिक चीज़ इसमें बताया गया है। अल्कलाइटिंग एजेंट का जो थेरेपेटिक क्लोरम्बेबिसूल है जैसे क्रोनिक लिम्फेटिक लिकोमिया में यूज होता है, मालफेलिन का ओवरी एंड ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है, बुशल्फान का जो क्रोनिक माइलिनॉइड ल्यूकेमिया में यूज होता है, और लास्ट जो है स्टेप्टोजोटोसिन, स्टेप्टोजोटोसिन का जो है ब्रेन ट्यूमर में यूज होता है। तो ये इस तरह से सिंपल जो है अल्कलाइटिंग एजेंट का हो गया। नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट। जैसा कि इसका नाम है एंटी मेटाबोलाइट मतलब अगेंस्ट मेटाबोलाइट ये कार्य करते हैं। तो मुख्य रूप से जो है डीएनए या आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो जो ड्रग होते हैं विभिन्न न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता होता है, जिसके कारण उसका जो बेसिक जो नेचुरल न्यूक्लियोटाइड होता है उसको मिसलीड करता है, उसके निर्माण को उसके सिंथेसिस को रोकता है, और इस तरह से इसे जो है एंटी मेटाबोलाइट कहते हैं। जैसे कि समझने के लिए जैसे फोलिक एसिड है, तो फोलिक एसिड जो है मेथोट्रेक्सेट इसका है, तो फोलिक एसिड जो है वो डीएनए और आरएनए के जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके निर्माण के लिए बेसिक उसमें जो स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन और पिरिमिडिन होता है। तो ये जो है प्यूरिन पिरिमिडिन के निर्माण के बायोसिंथेसिस के लिए जो है फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है, और मेथोट्रेक्सेट का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो फोलिक एसिड की तरह होता है, इसलिए कंपटिटिव इनहिबिशन कॉज करता है। और जो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स जो मेटाबोलाइट जो सेल डिवीजन के लिए आवश्यक होता है उसको रोकता है प्रिवेंट करता है। तो ये बेसिक चीजें हुआ। फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट का जो थेरेपेटिक यूज है वो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है, टंग है, फायरिंग्स और टेस्टिस इन सब के कैंसर में इसका यूज होता है, ऑस्टियोसार्कोमा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इन सब में इसका विशेष रूप से यूज होता है। दूसरा जो एंटी मेटाबोलाइट है पिरिमिडिन एनालॉग, इसका एग्जाम्पल है फ्लूरो यूराशिल। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक्चुअल में जो डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, चार प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जिसमें केमिकल या स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार का होता है पायरिमिडिन और प्यूरिन। तो पायरिमिडिन में जो क्या होता है साइटोसिन, थायमिन और यूराशिल, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब जो ड्रग दिया जाता है इसमें जो ड्रग जैसे फिरोरासिल है तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है इन सब से मिलता जुलता हुआ है, इसलिए जो है ये जो बेसिक जो इनका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक जो न्यूक्लियोटाइड है उसके निर्माण को ये इनहिबिट करेंगे, और जिसके वजह से जो स्वाभाविक रूप से जो कैंसर सेल का ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें देखा गया, इसलिए इसमें दिखाया जाए डी ऑक्सोथायमिडिलिक एसिड जो है, और जिसके वजह से जो है डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करने के वजह से जो है ये सेल डिवीजन जो है डीएनए रिप्लिकेशन को जो है वो रोकता है। तो इस प्रकार इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और इसका प्रयोग जो है कार्सिनोमा ऑफ स्टोमा, कोलोन, रेक्टम, ब्रेस्ट और ओवरी में किया जाता है। इसी प्रकार एंटी मेटाबोलाइट के अंतर्गत तीसरा जो है प्यूरिन एनालॉग है, तीसरा जो है प्यूरिन एनालॉग है। तो जैसा कि अभी हम बताया प्यूरिन और पेरिमिडिन ये न्यूक्लियोटाइड बेसिक न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंतर्गत जो नाइट्रोजिनस बेस जो चार प्रकार का होता है उसमें दो ये है एडेनिन और गुआनिन। तो एडेनिन और गुआनिन का जो है वो ये बेसिक रूप से अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो आयनोसिन मोनोफॉस्फेट को जो है वो एडेनिन और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो दवा इसमें जो दिया जाएगा जो वो जो है एडेनिन और गुआनिन के बेसिक निर्माण को ये रोकेंगे, और इस प्रकार जो है डीएनए का रिप्लिकेशन जो है बंद हो जाएगा और कैंसर सेल का ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो इसलिए इसको एंटी मेटाबोलाइट कहते हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट है बिनका अल्कलॉइड।
तो बहुत सिंपल है, विनकालकोलाइड्स, इसमें विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन ये केमिकल्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा है, एक प्लांट है टैक्सन बार्क ऑफ टैक्सस। अब इस दोनों प्रकार के जो प्लांट है, टैक्सस प्लांट जो है और विनका अल्कलॉइड जो है, इसका देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। अभी हम जो सेल साइकिल का जो वर्णन कर रहे हैं, तो सेल साइकिल में जो बताया माइटोसिस वाला जो है, वो माइटोसिस में जो चार फेज होता है, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मेटाफेज में जो है स्पेंडिल का फॉर्मेशन होता है, स्पेंडिल जो है माइक्रोट्यूबल्स द्वारा बनता है, तो वो सेल डिवीजन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ जो बेसिक जो है वो सेल माइक्रोट्यूबल्स के निर्माण को रोकता है। तो इस तरह से जो है सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन के मेटाफेज को जो है इनहिबिट होता है, और सेल डिवीजन भी नहीं प्रॉपर हो पाता है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ, विनकालकोलाइड का भी, और टैक्सेंस जिसमें टैक्सस नामक प्लांट के बार का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। दूसरा एक चाइनीज पौधा होता है जिसमें कैम्टो थेशिन ये है, तो ये क्या करता है, डीएनए टोपो आइसोमरेज को इनहिबिट करता है, एंजाइम, बेसिक एंजाइम डीएनए सिंथेसिस के लिए, जो रिप्लिकेशन के लिए, और इस तरह से ये सेल साइकिल को प्रिवेंट करता है। तो ये प्लांट के अल्कोलाइट्स का हो गया। नेक्स्ट है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स में बेसिक ये है कि हार्मोन जो है वो केमिकली स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, और ये जो है जीन एक्सप्रेशन, कैंसर सेल में जीन एक्सप्रेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, और इस तरह से जो है कैंसर सेल जो हार्मोन इनबैलेंस के वजह से जहाँ कहीं होता है तो उसको जो है उसके ग्रोथ को रोकते हैं, और यहाँ तक कि उस सेल को जो है नष्ट करते हैं। अब एस्ट्रोजन जो है इसका प्रयोग जनरली जो है प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर में किया जाता है। एंटी एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन के वजह से कहीं बहुत फास्ट ग्रो, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि कैंसर सेल में बहुत फास्ट ग्रो होता है कैंसर सेल्स का, तो अगर एस्ट्रोजन की वजह से सेल में फास्ट ग्रोथ हो रहा है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर सेल में, तो वहाँ जो है एंटी एस्ट्रोजन के रूप में टेमोक्सीफेन का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए सूटेबल दवा है। प्रोजेस्टिन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टिन, और इसलिए विशेष रूप से जो है इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार एंड्रोजन, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है, और इसका जो प्रयोग जो है मेमरी ग्लैंड के कैंसरस सेल के ग्रोथ को रोककर ये अपना एक्शन उत्पन्न करता है, और इसका बेस्ट एक्शन अगर ओवरी को हटा दिया जाए तो उस केस में जो है और प्रभावकारी इसका एक्शन होता है, ऐसा देखा गया है। फिर हार्मोन्स के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जो डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, तो उनका प्रयोग जो है लिम्फेटिक ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए जो है किया जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट के अंतर्गत नेक्स्ट जो है इंजाइम्स, एल एस्परजिनेज। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंजाइम है एल एस्परजिनेज। इस इंजाइम के उपस्थिति में क्या होता है, एस्परजिन जो है एस्पर्टिक एसिड और अमोनिया में हाइड्रोलाइज होता है, मतलब टूट जाता है। ले यहाँ पर जो है कुछ मलिग्नेंट सेल यानी कैंसर के सेल जिनके ग्रोथ के लिए एस्परजिन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ जो है ये एल एस्परजिनेज जो है वो इसे रोकेगा, तो इसका निर्माण नहीं होगा, और इस तरह से जो है मलिग्नेंट सेल का जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये सिंपल इसका मैकेनिज्म है, और इसका उपयोग जो है एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में किया जाता है। नेक्स्ट नेचुरल प्रोडक्ट के अंतर्गत है एंटीबायोटिक। विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक का प्रयोग एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक में मिथ्रामाइसिन, माइटोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, ब्लियोमाइसिन, डॉरोरूबिसिन ये सब है, और बेसिक इनका जो है या तो ये डीएनए या आरएनए सिंथेसिस रिप्लिकेशन को ये रोकते हैं,
और इस तरह से जो है कैंसर सेल के ग्रोथ जो है रुक जाता है, सीज हो जाता है। और इनका जो उपयोग जनरली जो किया जाता है एंटीबायोटिक जो कैंसर के लिए जो यूज होते हैं वो है कैंसर ऑफ टेस्टिस, स्टोमक, सर्विक्स, कोलोन, ब्रेस्ट, पैनक्रियाज, स्किन, यूटीआई, ओरल कैविटी और स्पाइटी पैसेज, इन सब के कैंसर में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो आइसोटॉप। जैसा कि इसका नाम है रेडियो आइसोटॉप, तो आइसोटॉप से स्वाभाविक है इससे रेडिएशन होगा। तो रेडिएशन हम लोग सभी जानते हैं कि रेडिएशन अल्फा रेडिएशन हो सकता है, बीटा रेडिएशन हो सकता है, गामा रेडिएशन हो सकता है, और ये रेडिएशन जो है कैंसर सेल को नष्ट करेगा, सीधे इसका किलिंग इफेक्ट होगा कैंसर सेल में। जैसे इसका एग्जांपल आयोडीन 131, आयोडीन ये जानना है कि 131 आयोडीन 131 का प्रयोग जो है थायराइड ग्लैंड के कार्सिनोमा, चाहे इसको बोलते हैं ना हाइपर थायराइडिज जो या थायरोटॉक्सिकोसिस, तो इसमें जो है इसका प्रयोग आयोडीन 131 मास नंबर का जो प्रयोग किया जाता है, ये एक आइसोटेप है। और इसमें बीटा रेडिएशन होता है, तो बीटा रेडिएशन की वजह से जो है कैंसर सेल के किलिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है। मिसलेनियस में सिस्प्लेंटिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिमिलर है अल्काइलेटिंग एजेंट की तरह, ये जो कैंसर सेल में प्रवेश करते हैं और सीधे प्रवेश करके जो है उनके डीएनए लिंकेज को डिसरप्ट करते हैं, उसके फंक्शन को प्रभावित करते हैं और इस तरह से जो कैंसर सेल के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। और इसका प्रयोग जो है टेस्टिकुलर और ओवेरियन ट्यूमर में किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।